आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर तुलनात्मक राजनीति अथवा विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान में स्विस संघीय संसद, जो आपके टॉपिक है, यानी स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है उसका गठन कैसे होता है, उसकी क्या शक्तियां हैं। इसमें से छोटे और बड़े सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आपने देखा होगा कि स्विट्जरलैंड के संविधान में से कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है, इसलिए इसे आप अच्छे से देखें। दूसरी बात यह कि यदि आप आगे वीडियो यानी पढ़ते हैं, या आगे जैसे मान लो आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे नेट की तैयारी करते हैं, कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करते हैं, अथवा जैसे आप जैसे स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी आपके इस टॉपिक में से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और एग्जाम में बहुत अधिक स्कोरिंग करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो संसद है वो क्या है। ये स्विट्जरलैंड वाला संविधान का ये दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा भाग है ये। इससे पहले एक भाग हम पढ़ चुके हैं, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम स्विट्जरलैंड की जो संसद है यानी संघीय सभा या संघीय संसद, उसे उसकी गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियां क्या है, तो थोड़ा सा हम परिचय पढ़ लेते हैं कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की तरह ही वहां व्यवस्थापिका भी विशिष्ट है। जैसे स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसकी तरह वहां की जो व्यवस्थापिका है वो भी एक विशेष है, और विश्व में एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसमें उच्च सदन की शक्ति निम्न सदन की शक्ति से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं, यानी विश्व की एक ऐसी व्यवस्थापिका। प्रश्न यहां से आ जाता है कि कौन से देश की व्यवस्थापिका ऐसी है जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन दोनों समान शक्तियां रखते हैं, तो वो स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड में 1848 में लागू और 1874 में पूर्ण रूप से संशोधित संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा कहा गया था। 1848 में जो संविधान बना था, और जो 1874 में यानी संशोधित भी हुआ था, तो वहां उस समय जो व्यवस्थापिका थी, उस समय जो संसद थी, उसको संघीय सभा कहा गया। लेकिन 18 अप्रैल 1999 से जो संविधान लागू हुआ, अब देखिए प्रश्न आ जाता है कि स्विट्जरलैंड का नवीन संविधान कब से लागू हुआ? 18 अप्रैल और 1999, 18 अप्रैल 1999 को जो नया संविधान लागू हुआ उसमें संघीय कार्यपालिका को संघीय संसद कहा गया है, फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। तो अब वर्तमान में इसको क्या, इसको किस नाम से जाना जाता है? संघीय संसद के नाम से जाना जाता है, पहले इसको संघीय सभा कहा जाता था। तो स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा शासन के तीन अंगों में, तीन अंग जो होते हैं उनमें व्यवस्थापिका संघीय संसद को निश्चित रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है, यानी संघीय संसद जो है उसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 में ये बात लिखी गई है, स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसके 148 में अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कि जहां तक जनता के तथा कैंटनों के, वहां पर कैंटन और है, कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, जहां तक जनता के अधिकारों का हनन नहीं होता है, और जो कैंटन है, जो इकाइयां हैं, उनके अधिकारों का हनन नहीं होता है, तब तक राज्यमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी। यानी तब तक क्या है कि सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग यानी सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होगी? संघीय संसद होगी। और संघीय संसद के दो सदन होंगे, अपने भी संसद के दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसी तरह इसमें भी दो सदन है, एक तो है प्रतिनिधि सभा और दूसरी है सीनेट। अब सीनेट आपके जैसे अमेरिकी संविधान में भी आपने पढ़ा होगा, अमेरिकी कांग्रेस में भी, उसमें भी प्रतिनिधि सभा और सीनेट होती है, और इसमें भी प्रतिनिधि सभा और सीनेट होती है। तो प्रतिनिधि सभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, और सीनेट जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि उच्च सदन जिसको हमारी जो राज्यसभा है उसके स्थान पर वहां सीनेट है, ठीक है, हमारी जो लोकसभा है उसके स्थान पर वहां प्रतिनिधि सभा है, लेकिन इन दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। अब संघीय जो संसद है उसकी क्या व्यवस्थापिका है, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्थापिका में क्या क्या है, अब हम प्रतिनिधि सभा को अलग पढ़ेंगे और सीनेट को अलग पढ़ेंगे।
सीनेट क्या है, सीनेट में कितने मेंबर होते हैं, कितने क्या होते हैं, यानी सब चीज पढ़ेंगे। उसका चुनाव कैसे होता है, पहले प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सीनेट के बारे में पढ़ेंगे। 1848 में निर्मित संविधान संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का नाम दिया गया था, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके दो सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। उस समय उसके दो सदन थे। अभी जो है, अभी तो क्या है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा है, पहले राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद थी। और अब नए संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद का नाम दिया गया है, जिसके दो सदन है। कौन कौन से? प्रतिनिधि सभा, जिसको निम्न सदन कहते हैं, और सीनेट, जिसको उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन और निम्न सदन कह सकते हैं। सबसे पहले हम प्रतिनिधि सभा को देखेंगे कि प्रतिनिधि सभा की क्या रचना होती है। संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 है। कितनी है? 200। अपने लोकसभा है तो लोकसभा में जैसे 545 जो सदस्य संख्या है, या अधिकतम अपने 552 हो सकती है, 545 सदस्य संख्या, उसी प्रकार वहां पर सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। किसकी? प्रतिनिधि सभा की। और प्रत्येक कैंटन का एक निर्वाचित जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। अब ये अपने अपना जो लोकसभा है वैसे के वैसे ही है। अपनी लोकसभा में आप जानते हैं कि जैसे मान लो राज्य की जनसंख्या के अनुसार एमपीज भेजे जाते हैं। अपने जो लोकसभा सदस्य जो होते हैं इनको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिनको कहते हैं। और ये जो सांसद है वो राज्य की जनसंख्या के अनुसार जाते हैं। जैसे अपने राजस्थान की बात करें, यहां से 25 जाते हैं और कुल मिलाकर के टोटल 545 तक जाते हैं। 543 पर चुनाव होते हैं और 500, यानी दो जो एंग्लो इंडियन होते थे, अभी वर्तमान में इस प्रकार क्या है कि जैसे मान लो 543 है, तो यानी जैसे मान लो वहां भी क्या है कि प्रत्येक कैंटन से वहां पर जनसंख्या के आधार पर भेजे जाते हैं प्रतिनिधि सभा। आ गई बात समझ में? प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा में अवश्य होगा। प्रति 4 वर्ष पश्चात प्रतिनिधि सभा का चुनाव, नवीन चुनाव होगा। अपने तो 5 वर्ष है और वहां पर प्रतिनिधि सभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना है? सामान्यतया 4 वर्ष। कितना है? 4 वर्ष है, ये ध्यान रखेंगे। अब उनका चुनाव कैसे होता है? चुनाव भी स्विट्जरलैंड में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्विस नागरिक को मताधिकार प्राप्त है, यानी जो 18 वर्ष की आयु का है उसे मतदान करने का अधिकार है। लेकिन वहां पर एक विशेष बात है कि प्रत्येक स्विट्जरलैंड का नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यानी जिसे मताधिकार प्राप्त है वह व्यक्ति प्रतिनिधि सभा की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, यानी उसका चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में प्रतिबंध यह है कि वह एक समय में प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से किसी एक संस्था की ही सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यदि मान लो वह प्रतिनिधि सभा का सदस्य बन जाता है तो फिर वो सीनेट और संघीय या सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य नहीं बन सकता। एक बार में एक ही संघ का या एक ही सदन का सदस्य बन सकता है। इसके साथ ही पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है। वहां के जो पादरी है, जैसे अपने यहां पर जैसे साधु हैं, पुजारी हैं, वहां पर चर्च में पादरी होते हैं वो, और संघीय सरकार के जो कर्मचारी है वो प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होंगे। तो बात समझ में आ गई कि वहां पर जो है 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति वोट दे सकता है। इसके अलावा एक बार में व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य बन सकता है। इसके साथ ही वहां के जो पादरी और संघीय सरकार के जो कर्मचारी हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, मतदान प्रणाली गुप्त रहती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है। वो तो हो गई प्रतिनिधि सभा। अब देखते हैं सीनेट। सीनेट में देखिए क्या है। अब उसमें तो क्या होता था, उसमें सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर होती थी। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होगी। कितनी है? 46 होगी। जैसे अपने राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, इसी प्रकार वहां 46 होगी। स्विट्जरलैंड के परिसंघ के अर्ध कैंटन कौन कौन से हैं? जैसे ओडवाल्ड, ओडवाल्ड, निडवाल्ड, बसेल सिटी, बसेल लैंड, अपेंजेल आउटर रोड्स और अपेंजेल इनर रोड्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो अर्ध कैंटन है इनमें से प्रत्येक
सीनेट के लिए अपना प्रतिनिधि भेजेगा तथा शेष पूर्ण कैंटन 20 पूर्ण कैंटनों में से प्रत्येक के लिए अपना 2 प्रतिनिधि, यानी ये जो 6 है वो तो एक एक भेजेंगे और 20 है वो दो दो भेजेंगे, तो 40, 40 और 6 कितने हो गए, 46। इस प्रकार 46 होते हैं। तो वहां पर जो अर्ध कैंटन है वो तो एक एक मेंबर भेजता है और जो पूर्ण कैंटन है वो, पूर्ण कैंटन तो कितने हैं, प्रश्न आ जाता है कि जैसे मान लो वहां पर कितने पूर्ण कैंटन कितने हैं, तो पूर्ण कैंटन 20 है और अर्ध कैंटन कितने हैं, 6 है, तो दोनों से मिलाकर कितने प्रतिनिधि जाते हैं वहां पर, 46 प्रतिनिधि। और सीनेट सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटन द्वारा किया जाएगा, वो कैंटन ही चुनाव करते हैं। अब देखिए चुनाव हो गया वहां से, जिस प्रकार वो यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं, उसके बाद संघीय संसद के जो दोनों सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, इसके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या क्या है? पहली बात तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद, दोनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद होते हैं। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और द्वितीय उपाध्यक्ष, यानी एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष चुना जाता है, एक वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, और दूसरे वर्ष के लिए दूसरा चुना जाता है, और जिसको पहले चुन लिया है उसे वापस चुना नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। वहां पर क्या होता है कि जैसे पहले जिसको चुन लिया था उसे दोबारा नहीं चुना जाता है। स्विट्जरलैंड में ये परंपरा चल रही है कि एक वर्ष जिस कैंटन का सदस्य अध्यक्ष रह चुका है, दूसरे वर्ष उसी कैंटन का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, यानी वह किसी दूसरे कैंटन का तो चुना जा सकता है लेकिन उसी कैंटन का वो अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है और उस पर निर्णायक मत भी देने का अधिकार होता है। अध्यक्ष जो होता है वो निर्णायक मतदाता होता है, यानी जैसे मान लो अगर मान लो पक्ष और विपक्ष में बात ठन जाती है तो उनका निर्णय करने का जो निर्णायक मत है, दोनों में बराबर मत आने पर निर्णायक मत जो है वो अध्यक्ष का होता है। इसके अलावा अधिवेशन और विशेष अधिवेशन, सदन के अधिवेशन नियमित रूप से होंगे, कानून अधिवेशन बुलाने से संबंधित समस्त व्यवस्था निर्धारित करेंगे, संबंधित सदन के ये सदस्य संघीय सरकार के आग्रह, संघीय सरकार ये आग्रह कर सकती है कि एक सदन के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। अगर मान लो संघीय संसद या संघीय सरकार जो है ये आग्रह करती है कि किसी काम के लिए अधिवेशन बुलाया जाए, विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, तो विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। सदनों की पृथक पृथक बैठक और संयुक्त बैठक भी होती है। अब जैसे 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और यानी सीनेट, सीनेट की बैठक अलग होती है, प्रतिनिधि सभा की बैठक अलग होती है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट की अलग अलग बैठकें होंगी। कोई भी विषय दोनों सदनों में पारित होने पर ही संघीय संसद का निर्णय होगा। अब दोनों में अलग अलग निर्णय से, जैसे मान लो 3/4 से या 2/3 से दोनों में जो निर्णय पारित हो रहा है तब तक कोई समस्या नहीं है। दोनों में ही जब मान लो कोई विवाद हो जाता है किसी कानून पर, तब संयुक्त बैठक की नौबत आती है। ये भी अपने भी यही है, राज्यसभा और लोकसभा में जब कोई बात विवादित केस आ जाता है तब संयुक्त बैठक का आयोजन होता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में जो 157वां अनुच्छेद है उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की गई है, उसका जिक्र किया गया कि 157 के तहत जो है जब भी किसी बात पर, किसी कानून पर, विधेयक पर, यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में बहस हो जाती है तब क्या होता है कि दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक की जो बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता जो होता है प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करता है। अपने भी संयुक्त बैठक होती है तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो ही उसकी अध्यक्षता करता है, अपने भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, इसमें भी वो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ही करता है। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में से हमारे जो कई चीजें जो है वो ली गई है। तो प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष करेंगे, इसमें जैसे कैसे बुलाई जाएगी, पहली बात तो संघीय सरकार के सदस्य और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव जब होते हैं तो संयुक्त बैठक होती है। दूसरी बात, कुछ संघीय सत्ताओं के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के निपटारे हेतु, अगर मान लो 2 कुछ जो सत्ताएं हैं उनके बीच में कोई क्षेत्राधिकार से संबंधित, या जैसे मान लो कोई क्षेत्र से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, तो उसको निपटाने के लिए भी क्या किया जाता है, संयुक्त बैठक का आयोजन होती है। क्षमादान के प्रार्थना पत्र पर निर्णय हेतु, क्षमादान से संबंधित कोई इस प्रकार का केस है और उस पर निर्णय करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विशेष अवसरों पर और संघीय शासन की घोषणाएं सुनने
हेतु भी संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। विशेष अवसर होता है, वहां पर संघीय शासन की कोई घोषणाएं सुननी होती है तो भी उनके लिए भी दोनों सदनों की बैठक होती है। तो दोनों सदनों की पृथक पृथक संयुक्त सार्वजनिक रूप से बैठकें होगी। कानून के आधार पर किसी भी विषय पर गुप्त बैठक की व्यवस्था भी की जा सकती है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि दोनों सदनों की गुप्त बैठक भी हो सकती है। अब जैसे मान लो हम बात करें, बैठक होती है तो बैठक में कितने सदस्यों की जरूरी है, कितने सदस्य होने चाहिए, तो गणपूर्ति के लिए सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। जैसे मान लो एक में 46 है, एक में 200 है, तो इसमें तो 100 से प्लस होना चाहिए, इसमें तो 100 से प्लस होना चाहिए और इसमें 24 के लगभग होने चाहिए, 23 से प्लस होने चाहिए, वो बहुमत हो जाता है। तो दोनों की संयुक्त बैठक होती है तो उनमें पृथक पृथक जो है अपना बहुमत भी होना चाहिए और संयुक्त बैठक भी निर्णय मतदान में लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होंगे। लेकिन संयुक्त बैठक में निम्न विषयों पर निर्णय के लिए दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत आवश्यक होगा। अब मान लो कुछ जो है, अब जैसे वहां पर 200 अलग और 46 अलग, 246 था, 246 में से जैसे मान लो 246 में से बहुमत होना चाहिए, तो 246 में से बहुमत का मतलब है कि जैसे 246 में से इकट्ठा ही बहुमत होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर 46 में से अलग बहुमत होना चाहिए, 200 में से अलग बहुमत होना चाहिए। तो पहली बात तो संघीय कानूनों को आवश्यक घोषित करने, अगर कोई संघीय कानून है और उसको आवश्यक घोषित किया जाता है तो क्या किया जाता है कि दोनों की पृथक पृथक यानी 46 में भी बहुमत होना चाहिए और उसमें से भी बहुमत होना चाहिए। दूसरी बात, एक मुश्त 20 मिलियन फ्रैंक के साथ की स्वीकृति देने हेतु या अथवा 2 मिलियन स्विस फ्रैंक की आवर्तक व्यय, अगर मान लो 20 मिलियन फ्रैंक पैसे की बात है, 20 मिलियन फ्रैंक अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि 20 करोड़ रुपए अगर मान लो एक साथ खर्च करने की स्वीकृति देनी होती है तो दोनों सदनों की बैठक होती है, अथवा कहीं से 2 मिलियन 2 करोड़ जो है एक साथ 2 करोड़ से अधिक अगर आय होती है और उसकी स्वीकृति हेतु स्वीकृति लेनी होती है उसे खर्च करने की, तो भी क्या होती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अनुच्छेद 126(3) के अंतर्गत विशेष भुगतान आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए भी समस्त व्यय में कृति हेतु भी ये बैठक बुलाई, जैसे 126(3) में लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई विशेष भुगतान की आवश्यकता होती है तो भी बैठक बुलाई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि संघीय संसद की शक्तियां और कार्य क्या क्या है। आप जानते हैं वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 173 और 173 की उपधारा 2, इसमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के कार्यों का वर्णन किया गया है और उसमें वर्तमान में संविधान द्वारा संघीय अधिकार के क्षेत्र में रखे गए हैं कई बहुत सारे काम जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए, यानी कुछ जो काम है प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी प्रशासनिक और वित्तीय, ये तीन शक्तियां प्रदान की गई है, विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां दोनों को प्रदान की गई है। लेकिन 173 के अंतर्गत इनमें से कोई जो शक्ति रह जाती है वह संघीय अधिकार के क्षेत्र में रखी गई है, संसद के पास वो उसकी शक्ति रखी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं शक्तियों की, तो यानी प्रतिनिधि सभा की जो शक्तियां हैं दोनों की समान शक्तियां हैं। पहली शक्ति है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में क्या है, संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। देखो यहां से छोटा प्रश्न आ सकता है, स्विट्जरलैंड के किस अनुच्छेद में विधायी शक्तियों का वर्णन है, तो वो है अनुच्छेद 164 में है। और संघीय संसद एक विधायी सभा है, इसका प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है, संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, कानून बनाने के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश और सामान्य संघीय आदेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी दो तरह के जो आदेश होते हैं संघीय, एक तो आधिकारिक आदेश और सामान्य आदेश, ये दोनों आदेश भी ये जो संघीय संसद है वो जारी कर सकती है। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार, 164 के अनुसार इसे निम्न विषय में नियम निर्धारण करने का अधिकार भी प्राप्त है। 164 में ये बात लिखी हुई है कि कौन कौन से विषयों पर ये नियम बना सकती है। पहला है राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में नियम बना सकती है, संवैधानिक अधिकारी पर प्रतिबंधों के रूप में नियम बना सकती है, व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के संबंध में ये नियम बना सकती है, जो टैक्स देने वाले हैं टैक्स पेयर हैं करदाता, करदाताओं के वर्ग के संबंध में और करों के उद्देश्य और निर्धारण के संबंध में, यानी कर टैक्स कैसे लगाया जाना चाहिए कितना लगाना चाहिए इसके संबंध में वो नियम बना सकती है, परिसंघ के कार्य और सेवाओं के बारे में नियम बना सकती है,
संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंगों में कैंटनों का दायित्व निर्धारण करने हेतु भी वो इसमें कानून बना सकती है। संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रिया के संबंध में भी कानून बना सकती है, इतने कानून बना सकती है। बीच में एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में अत्यावश्यक व्यवस्थापन क्या है, और ये अनुच्छेद 165 में लिखी हुई बात है। किसमें है? 165 में है। तो अत्यावश्यक व्यवस्थापन क्या है कि सामान्य कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था करता है। 165 जो अनुच्छेद 165 है वो सामान्य कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था करता है। लोक निर्णय को आप जानते हैं, जनता का निर्णय, और लोक निर्णय की व्यवस्था अंतिम रूप से कानून बनाकर उसे लागू करने में विलंब और कभी भारी विलंब को जन्म देती है। लोक निर्णय की व्यवस्था जैसे बहुत काफी समय लगता है, इसलिए विशेष परिस्थितियों के लिए अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया। जैसे मान लो कोई कानून बनाना है और उस कानून पर लोक निर्णय प्राप्त करना है, तो लोक निर्णय में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उस कानून को बनाने के लिए ज्यादा जल्दी में बनाना है तब क्या किया जाता है, अत्यावश्यक व्यवस्थापन को काम में लिया जाता है, और अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान करके और उस कानून को जल्दी से जल्दी पास कराने का काम किया जाता है। एक संघीय कानून जिसे तत्काल ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता होती है तो उसे संघीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अत्यावश्यक घोषित कर तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था सीमित समय के लिए। यानी जैसे मान लो लोक निर्णय का अर्थ है कि लोगों से उस पर मतदान, जनता से उस पर समर्थन प्राप्त किया जाता है, तो जन समर्थन आप जानते हैं कि जन समर्थन प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये ज्यादा टाइम लगता है इसलिए। और जैसे मान लो कानून ऐसा है जिसको तुरंत फुरत में लागू करना है तो उसे क्या करते हैं, दोनों सदनों में उसे अर्जेंट घोषित करवा दिया जाता है, अर्जेंट घोषित करवा करके उसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाता है, लेकिन ये व्यवस्था सीमित समय के लिए होती है। फिर उस पर लोक निर्णय तो लाना होता है लेकिन एक बार वो कानून बन जाता है। अति आवश्यक व्यवस्थापन के उपयुक्त प्रावधान के आधार पर संघीय संसद को एक वर्ष के लिए तत्काल कानून बनाने और लागू करने की शक्ति प्राप्त है। यानी इस प्रकार जो कानून बनेगा जिसमें लोक निर्णय अर्थात लोक समर्थन प्राप्त नहीं होगा, वह कानून एक वर्ष तक काम करेगा, एक वर्ष के पश्चात वो कानून लैप्स हो जाएगा, लेकिन एक वर्ष के लिए यदि कोई काम करना है, कानून बनाना, तो वह हो जाता है। तो अत्यावश्यक व्यवस्थापन प्रश्न आ सकता है, तो उसमें आप जरूर ध्यान दें। संविधान में संशोधन की शक्ति, ये भी इसका इसकी शक्ति है। तो संविधान में संशोधन, संघीय संसद संविधान के संशोधन कार्य को भी महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए और उसके बाद लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ हो तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है। यदि मान लो संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का कोई प्रस्ताव विचारार्थ है तब क्या करना होता है, संघीय संसद को भंग किया जाता है, नई संसद का गठन किया जाता है, और संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभक का नियंत्रण भी, यानी वो आरंभक भी उसमें आयोजित करना होता है। यदि 1,00,000 स्विट्जरलैंड के मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होगा। यानी स्विट्जरलैंड के 1,00,000 मतदाता जो है, अगर मान लो संविधान में संशोधन की बात करते हैं तो उन पर विचार करना ही होगा, यानी उस पर कानून बनाना ही होगा, संशोधन करना ही होगा। तीसरा है निर्वाचन, नियुक्ति संबंधी शक्ति। संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार भी। संसद जो है स्विट्जरलैंड के महत्वपूर्ण जो पोस्ट हैं उनका, यानी उन्हें चुनने का काम भी करती है संघीय संसद। ये नियुक्तियां निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद, संघीय न्यायालय के सदस्य, संघ के चांसलर, संकट काल के मुख्य सेनाध्यक्ष, इनको चुनने का अधिकार है। यानी संविधान के ये जो न्यायालय न्यायाधीश वगैरह उनका चुनाव भी करती है। इसके अलावा संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन भी करती है, और अधिकांश नियुक्तियां जो होती है संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन करता है। यानी ये जो अधिकांश जो नियुक्तियां होती है वो सदन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में उनको चुन लिया जाता है। चौथी शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। आप जानते हैं कि संसद जो है, संघीय संसद है मूल रूप से एक विधायी निकाय है, लेकिन इसे कार्यपालिका शक्तियां भी प्राप्त है। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी शक्तियां हैं, पहली बात तो है वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति प्राप्त है। संसद को विदेशी संबंधों के बारे में पूरी शक्ति प्राप्त है, ये अनुच्छेद 166 में लिखा हुआ है। विदेशी संबंधों से संबंध में क्या लिखा हुआ है कि संसद विदेश नीति के निवारण में भाग लेगी, वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करेगी,
यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देगी। इस संबंध में अपवाद यह है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समझ शक्ति प्राप्त है उस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। संघीय सरकार भी जो है सरकार को जिन पर पूरा जिन संधियों पर पूरी समझ शक्ति प्राप्त है उन पर संसद को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी पर संसद से स्वीकृति लेनी होगी, यानी दोनों सदनों की आवश्यकता होगी। दूसरा है संघीय सत्ताओं का निरीक्षण, और ये बात 169 में लिखा हुआ है। संघीय सत्ताओं का निरीक्षण, संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालय और अन्य अंगों जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया है उनके निरीक्षण का अधिकार प्राप्त, यानी संघीय प्रशासन के जितने भी अंग हैं, कार्यालय हैं, उनका निरीक्षण वो कर सकती है। और अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। प्रश्न आ जाता है कि किस अनुच्छेद के आधार पर स्विट्जरलैंड की संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है, तो वो अनुच्छेद है 171। पांचवी शक्ति है इसकी वित्तीय शक्ति, और संघीय संसद की सबसे प्रमुख शक्ति है बजट को स्वीकृत करना। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करने का काम संसद का है। बजट के संबंध में इसकी स्वीकृति अंतिम होती है, यानी जब इसके साइन हो जाते हैं तो फिर वो बजट पारित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर एक ऐच्छिक लोक निर्णय का प्रतिबंध नहीं होता है। संघ की ओर से दिए जाने वाले ऋणों के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है, और संघीय प्राधिकारियों का वेतन भत्ते निर्धारित करने का काम भी संघीय संसद करती है। संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण, उनके वेतन आदि का निर्धारण भी कौन करता है? संघीय संसद का ही काम है। यानी हम कह सकते हैं कि संघीय संसद जो है संघीय सरकार के आय व्यय का जो लेखा है, अर्थात सरकार के आय व्यय का लेखा है, उसकी जांच भी संसद कर सकती है। प्रश्न है इसमें छठी शक्ति है कैंटनों से संबंधित शक्ति, और संघीय संसद को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच करें और उन्हें स्वीकार करें। कैंटन विदेशों से जो संधियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। विदेशों से जो कैंटन, अर्थात जो राज्य राज्य कह सकते हैं, जो राज्य कोई विदेशी राज्यों से या विदेश से या किसी दूसरे देश से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस अनुबंध के लिए संसद का अनुमोदन जरूरी है। इसी प्रकार कैंटन परस्पर जो संधियां करते हैं उनके बारे में संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा इसकी शक्ति है न्यायिक शक्ति, और वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, फिर भी संघीय संसद को अनुच्छेद 173 के अनुसार न्याय के क्षेत्र में कई अधिकार प्राप्त है, जैसे कौन कौन से निर्णय करती है देखिए। इसके द्वारा संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है, ठीक है। संघीय संसद न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों के क्षमा याचिकाओं पर विचार कर सकती है, निर्णय दे सकती है, सामूहिक समाधान की घोषणा कर सकती है, यानी जो है इसमें समाधान की शक्ति भी है। जैसे अपने राष्ट्रपति क्षमा करता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, उसी प्रकार इसमें भी समाधान की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। और भी कई कार्य है अनुच्छेद 173 में संघीय संसद के। पहला है स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता, तटस्थता की रक्षा करने का काम, आंतरिक सुरक्षा करने का काम। तीसरा है असाधारण स्थितियों में अनुच्छेद 173 के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय कार्य की पूर्ति हेतु संघीय आदेश जारी, यानी जैसे मान लो आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा इसके लिए कोई आदेश पारित करने का काम भी जो है अनुच्छेद 173 के अंतर्गत संसद कर सकती है। सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है और इस उद्देश्य से समस्त सेना और उसके भाग की लामबद्धि कर सकती है। राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में वो सहायता देती है। ये बात तो हुई शक्तियों की। अब एक प्रश्न यहां से यह आ सकता है कि संघीय संसद में समिति व्यवस्था क्या है, संघीय संसद में जो समितियां हैं वो कौन कौन सी है। तो आप जानते हैं कि संघीय संसद का जो प्रथम सदन है उसमें 12 समितियां हैं और द्वितीय सदन में 10 समितियां हैं, स्थायी समितियां। कितनी? 12 समितियां तो प्रथम सदन में है और द्वितीय सदन में 10 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से प्रमुख समितियों की बात करें तो प्रमुख जैसे 6-7 समितियां प्रमुख है, क्षमादान समिति, संघीय लेखा समिति, रेलवे यातायात समिति, वित्त समिति, याचिका समिति, विदेश समिति, सीमा शुल्क समिति, और भी जैसे 10-12 समितियां। टोटल तो 22 है दोनों में, लेकिन इनमें से जो 10 या 12 जो है थोड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसकी विधायी प्रक्रिया क्या है? देखिए, स्विट्जरलैंड के संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन संघीय सरकार के सदस्यों, संघीय न्यायालयों के न्यायाधीश
और कुछ दूसरे संघीय अधिकारियों के निर्वाचन तथा कुछ अन्य प्रयोजनों के संयुक्त रूप से होता है। मतलब इनका जो अधिवेशन होता है वो संयुक्त रूप से होता है और ये संयुक्त अधिवेशन प्रतिनिधि सभा के भवन में होते हैं। अब ये जो संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं वो लोकसभा, यानी अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि लोकसभा या जिसको निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सभा का जो भवन होता है उसमें संयुक्त अधिवेशन होते हैं और प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन का सभापति। और अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वही वहां का अध्यक्ष होता है। शेष कार्यों के लिए दोनों सदनों की पृथक पृथक अधिवेशन होते हैं। अब इसमें देखिए कुछ बातें हैं कि विधायी क्षेत्र में दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल समान है। साधारण विधेयक हो या वित्तीय विधेयक संविधान के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये वहां की बड़ी बात है। तो वहां पर जैसे अपने यहाँ पर धन विधेयक के बारे में काफी बातें हैं कि धन विधेयक जैसे मान लोकसभा में ही पारित किया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर क्या है कि कोई भी जो जैसे साधारण विधेयक है चाहे वित्त विधेयक है ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में ये परंपरा यह है कि वहां पर भी निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले किस में रखा जाता है, निम्न सदन में, यानी अपनी भाषा में लोकसभा। और रेल बजट जो है दोनों सदनों में अलग एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, रेल बजट जो है दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया में एक तो है विधेयक प्रस्तुत करना। विधेयक प्रस्तुत करने में विधेयक चार प्रकार से प्रस्तुत होते हैं, संघीय सरकार द्वारा, संघीय संसद द्वारा, कैंटनों द्वारा और संघीय संसद के किसी सदन के सदस्य द्वारा। चार प्रकार के जो विधेयक है प्रस्तुत किए जाते हैं, सरकार करती है, संसद करती है, कैंटन करते हैं और कोई व्यक्ति जो होता है वो उस सदन का सदस्य होता है वो करता है। लेकिन व्यवहार में संघीय सरकार ही अधिकांश विधेयक तैयार करती है। तो व्यवहार में कौन तैयार करती है, संघीय सरकार, यानी जो सरकार कार्यपालिका कह सकते हैं। वित्त विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही प्रस्तावित हो सकता है। एक बात और है, वित्त विधेयक जो होता है वो संघीय सरकार के द्वारा ही पारित होता है, प्रस्तावित होता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं होता है। विधेयक प्रस्तावित होने पर उसके सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, अगर दोनों सदन इसमें सहमत होते हैं तो समिति के विचारार्थ तो उसको सौंप दिया जाता है, यानी दोनों सदन होते हैं तो फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर समिति अवस्था होती है, समिति के सदन में समस्त दलों को अपनी सदस्य संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अपन जानते हैं स्विट्जरलैंड में विधायी समितियां प्राय अपनी बैठक उस समय करती है जब सदन का अधिवेशन नहीं हो रहा, यानी क्या करती है, विधेयक के मूल प्रारूप को नहीं बदलती है और विधेयकों में आवश्यक संशोधन का सुझाव देती है। यानी जैसे मान लो वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो सदन नहीं चल रहा होता है उस समय वो अपना विधेयक रखती है और वो विधेयक पर चर्चाएं करती है। सदन में विधेयक को पारित करना, समिति की रिपोर्ट सदन में आ जाने पर सदन विधेयक पर विचार प्रारंभ करता है, सदन में विधेयक पर विचार किया जाता है और समिति द्वारा भी सदन सदन पर विचार किया जाता है और पारित कर दिया जाता है। एक सदन द्वारा स्वीकृति के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और यही प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है। मतलब जैसे दोनों सदन प्रतिनिधि सभा में भी जाता है, जैसे अपने यहाँ पर कोई भी विधेयक जो है लोकसभा में जाता है, लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर उसका वाचन राज्यसभा में होता है, वहां से दो तिहाई बहुमत से पारित होता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। इसमें भी वही बात है, संघीय जैसे मान लो प्रतिनिधि सभा के पास गया, फिर उसके बाद सीनेट के पास गया, सीनेट के पास के बाद से जो है वहां की जो सरकार संघीय सरकार उसके पास आया और वहां जाकर के ये फिर साइन होता है। इसके अलावा है मतभेदों को दूर करना, यदि कोई विधेयक है उस विधेयक पर मतभेद हो जाते हैं तो मतभेदों को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की आयोजना की जाती है और दोनों सदनों के बराबर बराबर सदस्य बैठते हैं। इस समिति का अध्यक्ष उस सदन में से कोई व्यक्ति होता है, इस समिति का अध्यक्ष जो है उस सदन में से, यानी उच्च सदन जो है उसमें से होता है जिसमें विधेयक प्रारंभ हुआ था। अगर विधेयक सीनेट में प्रारंभ हुआ है तो अध्यक्ष सीनेट का होगा, अगर मान लो प्रतिनिधि सभा हुआ तो प्रतिनिधि सभा का होगा। यदि संयुक्त समिति के सुझावों को भी कोई सदन अस्वीकार कर देता है तो वह विधेयक रद्द हो जाता है, दोनों अगर मां दोनों में से कोई रद्द कर मानता नहीं तो वो रद्द हो जाता है। विधेयक का प्रकाशन, यदि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उस पर दोनों सदनों के अध्यक्ष और सचिवों के साइन होते हैं, फिर विधेयक संघीय सरकार के पास प्रकाशन के लिए जाता है, फिर लागू करने के लिए भेजा जाता है और यदि विधेयक में दर्ज की गई अवधि तक जनता इस पर लोक निर्णय की मांग नहीं करती है तो ये कानून की भांति लागू कर दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, विधेयक को प्रतिनिधि सभा और उसमें रखा जाता है,
रखने के बाद उस पर वाचन होता है, उस पर निर्णय होता है। निर्णय करने के बाद जो है वो फिर सरकार के पास जाता है, सरकार उसे प्रकाशित करती है, और फिर जो अवधि दी जाती है कि इतनी अवधि में यदि जनता लोक निर्णय की मांग करती है तब तो उस पर फिर से विचार होता है, नहीं तो फिर वो कानून की तरह लागू हो जाता है। यह है स्विट्जरलैंड की संघीय संसद। मैं समझता हूं कि ये चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।